हेलो दोस्तों। सो ये सीईटी ग्रुप 56-57 के बैच की इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि कैसे अप्रोच करेंगे हम, ठीक है। सो इस वीडियो सीरीज में वोकैब प्लस ग्रामर, ठीक है, दोनों चीज आएंगी। और जो वोकैब है मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगी मिक्स। मिक्स का मतलब ये है कि इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, जितने भी साइनोनिम एंटोनिम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, वो वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर। और ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। सो देखिए, ये है फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जो फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब से मिलके बना है वर्ब। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है फॉल ऑफ। फॉल, फॉल एक वर्ब है, गिरना मतलब कोई एक्टिविटी का पता चल रहा है, तो इसका मतलब फॉल क्या है, वर्ब। वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब यूज होती है तो उस पूरे के पूरी जो सेंटेंस बन जाएगा उसको बोलेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। सो जैसे इसके अंदर है फॉल थ्रो, फॉल ऑफ, ठीक है, ऐसे। सो सबसे पहले देख लेते हैं फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरावट आना, ठीक है, गिरावट। गिरावट इन क्वालिटी या क्वांटिटी, जैसे कि द मेंबरशिप ऑफ दैट क्लब इज फॉलिंग ऑफ, कि मेंबरशिप में गिरावट आ गई। पहले मेंबरशिप 10 थी, 10 थी, 10 के बाद मेंबरशिप हो गई है 5। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है गिरावट आना, ठीक है। और फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब क्या होता है। फॉल आउट का मतलब होता है टू फाइट विद समवन, यानी लड़ाई होना। फॉल आउट, जैसे कि उसने घर छोड़ा अपने माता पिता से लड़ाई करने के बाद, यानी ही लेफ्ट होम आफ्टर हैविंग फाइट, ही लेफ्ट होम इन ए फाइट विद हिज पेरेंट्स, ही इज फॉलिंग आउट, कि भाई एक लड़ाई होने के बाद उसने घर छोड़ दिया, तो मतलब फॉलिंग आउट, इसका मतलब आप समझे। और फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब होता है टू फेल, फेल, ठीक है। जैसे कि द सेल ऑफ दिस हाउस इज फॉलिंग थ्रो, भाई इस घर की जो सेल हम करना चाहते थे वो नहीं हुई, फेल हो गई है, वो सेल नहीं हो पाई। या फिर कोई स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशंस में फेल हो जाता है, तो ही इज फॉलिंग थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशंस में फेल हो गया है, तो इसका मतलब था ये। तो हमने एक देख लिया है फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, फॉल ऑफ गिरावट, फॉल आउट टू फाइट विद समवन, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, ठीक है। इसके साथ ही अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है टू लुक आफ्टर, ठीक है, टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना या फिर पालन पोषण करना, ठीक है। जैसे कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं अर्ली चाइल्डहुड में उनकी डेथ होने के बाद ही वॉज लुकिंग आफ्टर, या फिर ब्रिंग अप उसको पालन पोषण किया गया उसकी आंट या फिर किसी और के द्वारा, ठीक है ना। तो ब्रिंग अप इसका मतलब है पालन पोषण करना किसी और के द्वारा। तो ब्रिंग फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है सामने लाना, तो टू ब्रिंग इन नोटिस, ठीक है, कि भाई सामने लेके आना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को सामने लेके आना। ब्रिंग फोर्थ द मैटर वॉज ब्रोट फोर्थ, ठीक ना, उसके सामने लाया गया, किसके सामने, द जज के, बस जज के सामने लाया गया। ब्रिंग फोर्थ सामने लेके आना, टू ब्रिंग इन नोटिस। और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, ठीक है ना, तो किसी काम को करना, ब्रिंग अबाउट कि भाई द प्रोजेक्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट, यानी कि प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है, ब्रिंग अबाउट शुरू होने ही वाला है, ठीक है। तो ऐसे हमने फ्रेजल वर्ब देखा, ये एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ इडियम्स, जैसे कि बैक ऑन वंस फीट,
इसका मतलब देखिए, कुछ फ्रेजल वर्ब आपको उनका आंसर उन्हीं के अंदर मिल जाएगा, जैसे बैक मतलब दोबारा से, ऑन वंस फीट अपने पैरों पर दोबारा से खड़े होना, तो मतलब है टू बी सक्सेसफुल अगेन, कि भाई दोबारा से कामयाब होना, एक बार होने के बाद उसके बाद से होना, ठीक है। मेक ए लिविंग, इसका मतलब है कि लिविंग, लिविंग यहाँ पे यूज हुआ है अपनी आमदनी से, भाई अपना खर्चा निकालना, ठीक है ना। टू लिव बाय हैंड एंड माउथ, भाई मेक ए लिविंग है अपनी आजीविका का खर्चा निकालना, ठीक है। रिंग ए बेल, रिंग ए बेल का मतलब होता है कि टू साउंड फैमिलियर, टू साउंड का फैमिलियर का मतलब है कि याद दिलाना, ठीक है। जैसे कि दिस काइंड ऑफ वॉच इज रिंगिंग ए बेल, कि भाई ये इस प्रकार की जो घड़ी है वो मुझे याद दिला रही है, टू साउंड फैमिलियर, कि भाई ये कलर तो मुझे किसी चीज का याद दिला रहा है, ठीक है। टू रेज ए डस्ट, इसका मतलब होता है टू मेक अनक्लियर, ठीक है ना, मतलब किसी चीज को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज। डस्ट, डस्ट यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, देखिए जब भी डस्ट उठता है तो आपको सामने की चीज क्लियरली नहीं दिखाई देती ना, तो ये इस सेंस में यूज किया गया, टू रेज ए डस्ट मतलब किसी चीज को कंफ्यूजन करना। तो देखिए हमने देखा है बैक ऑन वंस फिट अपने पैरों पर दोबारा खड़े होना, मतलब अगेन मेक ए लिविंग अपना जीवन गुजारना, जीवन बसर मतलब आजीविका अपनी सिर्फ इतना ही करना, मेक ए लिविंग। रिंग ए बेल का मतलब है टू साउंड फैमिलियर, किसी की याद दिलाना। टू रेज ए डस्ट इसका मतलब है चीजों को कंफ्यूज करना, या उनको रेज ए डस्ट कंफ्यूज करना या अनक्लियर करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ का ब्लू है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, मतलब आउट ऑफ ब्लू सडनली कोई चीज का होना, ठीक है ना, सडनली, सडन, ठीक है ना, सडन किसी चीज का होना। एन आयरन हैंड मतलब ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है। आयरन हैंड, देखिए हैंड का मतलब यहाँ पे लिटरली हैंड से नहीं है, हैंड का मतलब है कि आपका उस पर कितना अधिकार है, ठीक है ना, आप कंट्रोल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल से मतलब है हैंड का, ठीक है। कैट आउट ऑफ बैग, इसका मतलब होता है कैट आउट ऑफ बैग सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है, टू रिवील ए सीक्रेट, ठीक सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, इन द हीट ऑफ ए मूवमेंट, आई थिंक दिस इज द, सो इसका मतलब है सडन या एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब बहुत तेजी से, या फिर बर्निंग टॉपिक, ठीक है, बर्निंग टॉपिक, या फिर उसी पल मतलब क्षण भर में, इन द हीट ऑफ मूवमेंट मतलब तभी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द शिप हैज सेल्ड, देखिए इसका मतलब है कि शिप हैज सेल्ड मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है वो जा चुकी है, मतलब अब इसका मतलब है कि देरी से, देरी से द शिप हैज सेल्ड मतलब अब वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन मतलब टू बी वॉचफुल, वॉचफुल, ठीक है ना, मतलब विजिलेंट, काफी सक्रिय, काफी एक्टिव, ठीक है। नो स्प्रिंग चिकन, इसका मतलब है नो लॉन्गर यंग, ठीक है, कि भाई नो स्प्रिंग, अब वो यंग नहीं है, तो बिलो द बेल्ट इसका मतलब है अनफेयर, ठीक है ना। तो जैसे कि बिलो द बेल्ट सम वर्क्स आर डन अंडर द टेबल, या बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयरली ट्रीटमेंट कई बार दिया जाता है ना, जैसे ये बिलो द बेल्ट ये मोस्टली यूज होता है जैसे बॉलीवुड या वहां पे, कि भाई आपको कुछ कुछ यू नो फेवरिज्म, कुछ फेवर चाहिए होता है ना, तो बिलो द बेल्ट। आज ये हमने देखा था शिप हैज सेल्ड मतलब देरी से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, कीप एन आई ऑन मतलब टू बी विजिलेंट या वॉचफुल, नो स्प्रिंग चिकन कि भाई नो लॉन्गर यंग है, ही इज नाउ ओल्ड, सो बिलो द बेल्ट इसका मतलब है अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है।
ये हमने देखे कुछ इडियम्स। अब मैंने कुछ वोकैब है वो कलेक्ट की है, तो मैं आई विल डेफिनेटली उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफी बेहतरीन वर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको मतलब अभी HSC में मतलब एक्सपेक्टेड रहेंगे ये वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल इसका मतलब होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब कोई चीज सुंदर है या फिर नाजुक उसके लिए इसका यूज होता है डिलेक्टेबल। सो दिस बैग इज वेरी डिलेक्टेबल, तो प्लीजेंट है, सुंदर या नाजुक, इस वे में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविडेंस, PROVIDENCE, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब होता है भाग्य या फिर कोई ऐसी चीज जो बियॉन्ड मतलब सेलेस्टियल मतलब बहुत ही अलग चीज या उसका ओरा बहुत अलग है, मतलब भाग्य के से साथ जुड़ा हुआ। प्रोविडेंस मतलब बहुत स्टार, जो स्टार्स या फिर वो कहते हैं ना सॉरी, जैसे कि अपर जो अलग ब्रह्मांड है या फिर देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रोविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज सरमाइज, SURMISE, तो काफी बेहतरीन वर्ड है ये, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, सरमाइज। तो सरमाइज का मतलब होता है कि तुक्का यानी गैस, गैस करना यानी तुक्का। ठीक है, तो सरमाइज का मतलब होता है तुक्का। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम, आगे फस, फस फस का मतलब है कि कोई छोटा मैटर है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है ना, टू क्वेरल, टू फाइट ओवर स्मॉल मैटर्स। ठीक है, तो फस, तो ही इज फसिंग कि भाई फस करने का मतलब होता है कि एक छोटे मैटर को बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, उसके साथ है ट्रिफलिंग। ठीक है, ट्रिफलिंग, TRIFLING। ठीक है, ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ज्यादा जरूरी ना हो, मतलब दैट इज अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट मतलब कोई मैटर बोल सकते हैं भाई ये मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो दिस इज वेरी ट्रिफल मैटर टू डिस्कस। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। इसके साथ ही एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, स्क्वीकी, SQUEAKY, स्क्वीकी, इसका मतलब होता है पूर्णता। ठीक है, पूर्णता या फिर कंप्लीटली। ठीक है ना, तो मतलब टोटली, इन टोटैलिटी। ठीक है, इन टोटैलिटी, इन टोटैलिटी। ठीक है ना, पूर्ण रूप से। ठीक है ना, पूर्ण रूप से। सो अगेन मैं बता देता हूँ कि भाई हमारा ये था आज की वर्ड्स, काफी बेहतरीन मैंने करवाए हैं ये, इसमें आप देख लीजिए, हो सकता है आपको ये वर्ड्स आते भी हों, अगर नहीं आते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कैसी स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है। सो मैं लेके चलूंगा ग्रामर और वोकैब, वोकैब रहेगी मिक्स्ड। ठीक है, और जो ग्रामर रहेगी वो भी रहेगी मिक्स्ड। ग्रामर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे वो मैं करवाऊंगा, और जो वोकैब के अंदर एक्सपेक्टेड वर्ड्स होंगे वो मैं करवाऊंगा। सो ये सोच के चलिए कि 10 वर्ड्स या फिर 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और काफी लो हैंगिंग फ्रूट है, आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, स्टे ट्यून्ड।